आप लोग फाइल क्लोज कर दीजिए, पेन की फाइल क्लोज कर दीजिए जिन्होंने ओपन किया है। आप लोग सब ओपन कीजिए फाइल, पेन की फाइल। आप पहली क्लास ले रहे हो ना, ये बच्चे इनको नहीं ओपन करना है, कैसे इनसे कैसा ओपन करवाओगे? वीडियो से कराओगे या खुद से कराओगे? वीडियो को देख के इनसे पेन की फाइल ओपन कराओगे? इन्होंने तो इनको पेन की फाइल ओपन नहीं करना आता, किसी को भी नहीं आता, पहली बार क्लास में बैठे हुए। ठीक है, आपके सामने वीडियो, यहाँ पे अभी आपको इन सबको पेन की फाइल ओपन कराना है। करा दोगे? सर इन्होंने नहीं आंदी तो वीडियो को के हाँ वीडियो को देखे, वो इनसे पूछेंगे कैसे कराएंगे, इनसे मैं पूछ रहा हूँ ना। नहीं आंदी तो देखा जाएगी, तो मैं वैसे भी करा सकती हूँ। हाँ अगर आपको आते हैं वैसे वीडियो को देख के भी आपको, क्योंकि वीडियो दिया हुआ है जो तरीका वीडियो में बताया गया आप उसी तरीके से बताओगे। करवाओ इनसे पेंट की फाइल, क्या करो? पहले इसको क्लोज कर दूंगी। एमएस पेंट की फाइल को दो तरीके से ओपन कर सकते हैं। एक मिनट, पेंट की फाइल क्लोज करने का, इसे क्लोज करने का आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वीडियो के अंदर स्टेप दिया हुआ है, आपको इसी के थ्रू आपको करना है। वीडियो चलने दो। ठीक है, वैसे ही करके बता दो। अब आप सभी ठीक है, सबको आता है वैसे यहां ये बात भी मैं इनके कह रहा, अगर ना आए तो आप किस तरीके से करोगे? इसीलिए मैं कह रहा था वीडियो से ही बताओ। ये बताना आपको क्या करना है, जैसे जहाँ पे आप आए ना यहाँ पे आपको क्लिक करना है, तो आप क्या करोगे वहाँ पे वीडियो आपको क्या करना है, जैसे कि वीडियो के अंदर आ रहा है ना कि आपने यहाँ पे क्लिक किया तो एक बॉक्स ओपन हो जाएगा, इस तरीके से आपको मैं स्टेप बताना है आपको। इसमें तो कंटिन्यू चला जाएगा कि यहाँ पे कोई रोकने का टाइम भी नहीं होगा। पहली बार आप अगर क्लास लोगे उनको ओपन करने का तरीका बताओगे तो आपको इस तरीके से बताना है कि यहाँ पर आप क्लिक करोगे जो स्टार्ट बटन है जो वीडियो के अंदर दिखाया जाएगा, एक बॉक्स आ जाए ओपन हो जाएगा तो वीडियो को आप रोक दोगे, चेक करोगे सबके कि आप लोग यहाँ पे क्लिक करें किस तरीके की, जैसे वीडियो में बॉक्स ओपन हुआ है ऐसे ही बॉक्स लगा के दिखाएंगे, जैसे भी यहाँ पे होगा। फाइल को ओपन करने में कोई भी समस्या हो तो आप दिखाए जा रहे हैं वीडियो की मदद से ओपन करना सीखें। सबसे पहले आप अपने पॉइंटर को स्टार्ट बटन पर लेके जाएंगे। ये हमारा जो डेस्कटॉप है उसके जो इधर लेफ्ट साइड में जो बटन होता है ये वाला, उस पर सब लोग क्लिक करें। करिए आप लोग सभी क्लिक, इनको फॉलो कीजिए जैसे बता रही है। जो माउस से करें या हाथ वाले से करें, शॉर्टकट में इससे होगा माउस से। इस बटन को क्या कहते हैं? इसको स्टार्ट बटन या विंडो बटन कहते हैं। साथ साथ में कीजिए, नेक्स्ट जो कि लेफ्ट कोने में है उसके बाद उस पर माउस या टच पैड के लेफ्ट बटन से एक बार क्लिक करें, एक बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर एसोसिएट्स लिखे हुए ऑप्शन पर अपने आपके डेस्कटॉप पे एसेसरीज दिख रही है, उस पे क्लिक कीजिए। पॉइंटर को लेकर जाएं और माउस या टचपैड के लेफ्ट बटन से सेलेक्ट करें, उसके बाद अपने पॉइंटर को पेन लिखे हुए ऑप्शन पर लेकर जाएं और लेफ्ट बटन से क्लिक करें। अब आपके डेस्कटॉप पे जो पेन
लिखा हुआ है उस पर लेके जाए माउस को पॉइंटर को और क्लिक करें कर। आप सब लोग MS Paint 5 ठीक है अच्छा कोई वो तो आपकी पेंट की फाइल ओपन हो जाएगी। हाँ पूछ सकते हैं इसलिए हमने स्टार्ट पे क्लिक किया था जो पे मतलब खुलता है सारा जिसमें लिखे होते हैं उसे क्या कहते हैं डायलॉग बॉक्स ये स्टार्ट मेनू डायलॉग बॉक्स जितने भी खुलते हैं सभी डायलॉग बॉक्स का जाएगा तो डायलॉग बॉक्स ही होगा मतलब उसका एक प्रॉपर नाम जैसे स्टार्ट से खुला है तो स्टार्ट मेनू ऊपर मेनू वाले में खुला था तो वैसे नाम सब मेनू जी सब ऐसे ही स्टार्ट मेनू हां स्टार्ट मेनू ये अभी तक नहीं पता लगा था। अब देखो अब आपके माइंड में कुछ हम क्वेश्चन छोड़ेंगे तो आपके माइंड में आता आ रहा है ना बिल्कुल पहले दिन में ऐसा नहीं था जो आपने बहुत सारे डिबेट में खत्म किए थे हमने तो खुद ही क्वेश्चन जब सीखते जाओगे टाइम स्पेंड करोगे तो खुद ही क्वेश्चन आएंगे माइंड में क्योंकि आपके लिए तो नई चीज है। आज ओवर कर लेते हैं कल राइटर का शुरू कर देंगे और कितने लोगों ने प्रैक्टिस किया एक ये रह गई और थोड़ा भी रह गए उधर से किया था अपने किया था उन्होंने किया था आज नहीं कल प्रैक्टिस किया था ना प्रैक्टिस किया था ये रह गई राइटर में हो जाएगा और इनका जो ये भी रह गए भाई करूंगी हाँ, ये हम तो दोनों आखिर तक आपको ना कैसे आ रहा है मैं जो सारा पहला करा के गए थे दोबारा कराऊंगा।